बड़ी खबर इस वक्त केके पाठक से जुड़ी हुई आ रही है। केके पाठक के आदेश पर फिर से एक बार घमासान मच गया है। राजभवन और केके पाठक के बीच ये घमासान आदेश को लेकर शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों को चेतावनी है, जिसमें दो दिवसीय वर्कशॉप में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। भाग नहीं लेने पर एक्शन लिया जाएगा। राजभवन ने हालांकि आपको बताते चले कि अनुमति जाने के लिए नहीं दी थी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने। अब आदेश जो जारी हुआ है उसे लेकर के अब खींचतान वाली स्थिति एक बार फिर से बनती हुई। शिक्षा विभाग की बैठक में के पाठक की तरफ से यह बयान दिया जाता है, राजभवन से अनुमति लेना मूर्खतापूर्ण है। 2 और 3 मार्च को आयोजित होनी है ये वर्कशॉप, जिसमें इन सभी को शामिल होना अनिवार्य किया गया इस वर्कशॉप में, लेकिन राजभवन की तरफ से इस पर अनुमति नहीं मिली है। और हमारे सहयोगी रजनीश कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ चुके हैं। रजनीश, अब जिस विवाद के खत्म होने की संभावना जाहिर की जा रही थी, क्या ये मानकर चले कि के पाठक और राजभवन का ये विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? जो के पाठक हैं ये अपने आदेश को लेकर जो है लगातार सुर्खियों में रहते हैं, और फिर से ऐसा ही कुछ मामला आया है, जिस प्रकार से 2 और 3 मार्च को शिक्षा विभाग की तरफ से एक वर्कशॉप का आयोजन